राधे राधे मित्रों, ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा सरकार की अनगिनत कथाएं आप श्री बड़े महाराज जी से सुन चुके हैं। उन्हीं में से एक घटना है देवरिया की। बाबा उस समय देवरिया में ही मौजूद थे जब कुछ मल्लाहों ने मिलकर सरयू नदी में से एक घड़ियाल को पकड़ लिया था। वहां के क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी दहशत थी कि वह घड़ियाल नहाने वाले लोगों को कभी भी हानि पहुंचा सकता है। बार बार नदी में घड़ियाल देखे जाने के भय से लोगों ने नदी में स्नान करना बंद कर दिया। बाबा को ये बात बताई गई कि बाबा, वो घड़ियाल मल्लाहों द्वारा पकड़ा गया है और सभी के देखने का एकमात्र कारण है, इसीलिए उसको नदी के किनारे बांध कर डाल दिया है, जल्दी ही उसे मार दिया जाएगा। ये सुनते ही करुणा की मूर्ति श्री देवरा बाबा सरकार द्रवित हो गई। उसकी जीवन रक्षा करने के लिए बाबा सजग हो गए। अपने मल्लाहों को बुलवाया। घड़ियाल भी किसी प्रकार बाबा के सामने लाया गया। बाबा ने उस घड़ियाल को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और मल्लाहों से कहा, बच्चा, इस घड़ियाल ने मेरा दर्शन कर लिया है, अब ये तुम लोगों को हिंसा नहीं करेगा। बच्चा, अब ये घड़ियाल मेरा भक्त बन गया है। बाबा ने मचान से कुछ बतासा फेंका। घड़ियाल यानी मगरमच्छ, उसने उन बतासों को खा लिया। बाबा ने कहा, देख बच्चा, कितने प्रेम से मेरा प्रसाद खा रहा है। मेरे दर्शन और प्रसाद का इसे फल अवश्य मिलना चाहिए, और वो फल यह मिलेगा कि इसको इसकी जीवन वापस मिलना चाहिए। तुम लोग इसे वापस नदी में छोड़ दो, अब यह मनुष्यों को हानि नहीं पहुंचाएगा। सभी ने बाबा की बात मान ली। घड़ियाल को वापस पानी में छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक असीम आश्चर्य की घटना घटी। वो घटना ये थी कि वही घड़ियाल कभी कभी नदी से बाहर निकलकर बाबा के मचान के नीचे अथवा आसपास धूप लेने के लिए आ जाया करता था। बाबा मचान से बतासे फेंकते और वह प्रयत्न पूर्वक छोटे छोटे बतासे खा लेता था। एक लंबे समय के बाद वो घड़ियाल मर गया। उसके मरने का कारण भी सर्वविदित था, क्योंकि उसने मछली कछुओं को खाना छोड़ दिया था। घड़ियाल अहिंसक हो गया था। इसी कारण नदी में कछुए और बड़ी बड़ी मछली निर्भय होकर उसके आसपास घूमते थे। वो कभी किसी को नहीं खाता। सभी लोग इसको श्री देवरा बाबा सरकार के अहिंसक प्रभाव का गुण ही मानते थे। बहुत वर्षों के बाद कहीं पर उस घड़ियाल की चर्चा होने पर बाबा ने बताया कि बच्चा, उसको जलचर की योनि से मुक्त करके मैंने मनुष्य योनि में भेज दिया था। इस समय वह एक सत्वगुणी युवक है। प्यारे मित्रों, त्रिकालज्ञ श्री देवरा बाबा सरकार को वास्तव में ये वरदान भी प्राप्त था कि बाबा किसी को भी जीवन दान दे देते थे। बाबा किसी के लिए भी यमराज जी से भी बात कर लिया करते थे। यह सब असंभव है, लेकिन ये अवश्य ही बाबा अपनी दया के कोष में से करते होंगे, क्योंकि बाबा कालजयी महायोगी हैं। जो स्वयं काल पर विजयी हैं, वही दूसरे को अभय दे सकते हैं। मित्रों, समझे आप? इसीलिए श्री देवरा बाबा सरकार की शिक्षाओं को मानिए। ब्रह्म ऋषि श्री बड़े महाराज जी जो बताते हैं, ध्यान से सुनिए। बाबा की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा के ऑफिशियल चैनल देव रहा है ज्ञान पर जाकर के वहां पर महाराज जी के द्वारा कही गई बाबा की अन्य कथाओं और ज्ञान को सुनिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे और बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना।
अगली वीडियो आपको समय से मिल जाएगी। जय श्री राधे मित्रों।